अग्निवीर योजना का लगातार विरोध हो रहा है। इसी क्रम में एक्सप्रेस वे पर युवाओं ने जाम लगाकर विरोध किया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर युवाओं को खदेड़ दिया। भारत सरकार ने देश के युवाओं को सेना में अल्पकालीन नौकरी देने के लिए अग्निपथ नामक योजना बनाई है, जिसमें युवाओं को 4 साल नौकरी देने दी जाएगी और नौकरी के लिए भर्ती और रिटायरमेंट जो आयु सीमा रखी है उसे लेकर युवाओं में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर महावन तहसील के बलदेव क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेस वे पर युवाओं ने प्रदर्शन किया और महावन बलदेव अन्य स्थानों पर पुलिस फोर्स मौजूद था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत हो गई। प्रदर्शनकारियों की ओर से पथराव शुरू हो गया। भीड़ पथराव रोकने के लिए पुलिस ने लाठियां चलाई, लेकिन भीड़ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हम तो शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने हम पर लाठियां मारना शुरू कर दिया तो पथराव हो गया। पथराव में कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारियों को चोट आई है। अमित अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। पेपर क्लियर होना चाहिए, उसके बाद में ये टीओडी वापस होना चाहिए और जो बच्चे ओवरेज हो चुके हैं उनको छूट मिलनी चाहिए थोड़ी बहुत। बिल्कुल, 2 साल से हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आज हमको पता चल रहा है 2 दिन पहले कि आपका एग्जाम ही कैंसिल हो गया। एयरफोर्स वाले बच्चों की जॉइनिंग खत्म हो गई, उनकी एग्जाम मेरा बच्चा फिजिकल और मेडिकल क्लियर हो चुका है। 1.5 साल से अभी आपने यहाँ माइल स्टोर 136 है, हमने एक्सप्रेस वे जाम भी किया है, यात्रा भी किया था, आपका कह रहे हैं कि लाठीचार्ज भी किया है पुलिस ने, क्या कह रहे हैं? शांतिपूर्वक बैठे हुए थे इधर, हम बैठे हुए थे अपने धरना पर, बैठे हुए हमने हमारे पर लाठीचार्ज किया। ठीक है भाई, हमारे बंदा एक बात लगा था जो सरकार ने लगाई है फिर वापस होनी चाहिए। हम लोगों को अपना हाथ मिलना चाहिए। हम लोग मोटरसाइकिल 10 साल से रनिंग कर रहे हैं। हम लोग एक एक पास ही होगा, हमारे माँ बाप जैसे ये चीज करके ला रहे हैं, हम अपनी भूख और अपने इसके लिए हम हमने किसी से कोई मतलब किया, हमने किसी से कोई उपलब्ध नहीं किया। हमने पहले इनसे हाथ जोड़ के माफी मांग ली थी, हम किसी से उपलब्ध नहीं करेंगे, लेकिन इन लोगों ने पहले हमारे भाई को पहले उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत उनको समझाने की दो 3 साल से भर्ती रुकी, इसी का हम चक्कर में रुके हुए, हमारा रिटर्न रह गया सर। एग्जाम के साथ साथ जिन बच्चों की इनरोलमेंट आनी है, जिन बच्चों की इनरोलमेंट आनी है सारे काम हो गए, मेडिकल रिजल्ट नहीं आई है, इनरोलमेंट लटकी पड़ी है, उसमें भी ये अपना ड्यूटी लगा रहे हैं। देखो 3 साल एनसीसी की, बच्चे 3-3 साल 4-4 साल तैयारी करके 4-4 साल तैयारी करने के बाद 4 साल हो गए तैयारी करते, 4 साल नौकरी क्या करेंगे बच्चे? कहाँ से हो? ठीक ना है ना? अच्छा, क्या मामला है? आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग ये है कि टीओडी वापस किया जाए, हमारा जो एग्जाम बचा है आदमी का वो उतना एग्जाम कराया जाए, और जो बच्चे ओवर हो गए अभी आपने यमुना एक्सप्रेस में प्रदर्शन किया है, कुछ पथराव भी किया है, तो क्या मामला था? ऐसे क्यों किया? पुलिस ने सीधे सीधे लाठी चार्ज किया, गाड़ी निकालने के लिए सीधे सीधे क्या होता है?